हेलो दोस्तों, मेरा भी सैनी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब इन्फो में। दोस्तों, शुरू में हम बात करें महाराष्ट्र तलाटी रिक्रूटमेंट 2019 की। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तलाटी के पदों पर एक बहुत बड़ी वैकेंसी जो है वो जारी की है, जिसमें जो टोटल पोस्ट है दोस्तों वो 1809 है। तो आप इसमें जो वैकेंसीज हैं दोस्तों वो तलाटी क्लर्क और टाइपिस्ट की पोस्ट है, जिसमें आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 22 मार्च 2019 है। क्वालिफिकेशन 10th 12th ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है तो आप इस पोस्ट पे आवेदन जो है वो कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इसमें जितनी भी गवर्नमेंट जॉब एडमिट कार्ड रिजल्ट और सिलेबस जारी होते हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये जो पोस्ट है महाराष्ट्र तलाटी रिक्रूटमेंट 2019, आप हमारी जो वेबसाइट है लेटेस्ट जॉब्स इन्फो डॉट इन वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं, और इसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो डिपार्टमेंट है वो रिवेन्यू एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र है, जिसमें स्टार्टिंग डेट जो है वो 1 मार्च 2019 से लेकर 22 मार्च 2019 तक आप इसमें आवेदन जो है वो कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो आपको पे करनी है ओपन कैटेगरी वालों के लिए 500 रुपये, रिजर्व कैटेगरी के लिए 350 रुपये, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस उनको पे नहीं करनी होगी। फीस आप जो पे कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है इसके अंदर 1809 है, और पोस्ट का जो नाम है वो तलाटी क्लर्क और टाइपिस्ट की इसके अंदर पोस्ट है दोस्तों। क्वालिफिकेशन जो है इसके अंदर 10th 12th और ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज की बात करें तो यहाँ पर जो एज आपकी होनी चाहिए 18 से लेकर 38 साल की एज होनी चाहिए। एज में रिलैक्सेशन जो दिया जाएगा वो रिजर्व कैटेगरी के लिए 5 साल का पर एज में, और यहाँ पर अर्थक्वेक अफेक्टेड जो कैंडिडेट हैं और प्रोजेक्टेड जो कैंडिडेट है उनके लिए 7 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा अपर एज में। और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू रहेगा। सैलरी जो उसके अंदर दी जाएगी दोस्तों वो 5,200 से लेकर 20,200, और जॉब लोकेशन जो है वो ऑल महाराष्ट्र में रहेगी। महाराष्ट्र के जितने डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये जॉब लोकेशन रहेगी। आवेदन करने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने जो डिस्ट्रिक्ट वाइज आप नोटिफिकेशन जो है वो चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है, क्लिक हेयर पर क्लिक करना है और आप इसका आवेदन जो है वो कर सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का लिंक पे क्लिक करके। एडवर्टीजमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सिलेक्ट पर क्लिक करना है जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपको आवेदन करना है तो उसी डिस्ट्रिक्ट पर आपको क्लिक करके, और यहाँ से ये उसका नोट डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगा, और उस पर क्लिक करके आपके फ़ोन में और आपके आपके लैपटॉप में कंप्यूटर में वो जो लिंक है वो नीचे आपके डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो जब तक ये डाउनलोड हो तो हम चलते हैं यहाँ पर हाउ टू फिल फॉर्म के आपको क्लिक करके, इसका फॉर्म कैसे आपको फिल करना है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों। वो PDF आपके सामने ओपन होगी कैसे कैसे आपको जो आवेदन है वो फिल करना है, तो इसमें सारी जानकारी दी गई है तो आप इसको रीड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आपको आवेदन करने के से पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर्ड लॉगिन पे क्लिक करना होगा। अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो आप इसमें, पहले आपने कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, अगर किया हुआ है तो आप इस पर लॉगिन पे क्लिक करके अपना जो प्रीवियस आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है वो डाल के आप इसमें जो आवेदन वो कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आया और रजिस्टर्ड का ऑप्शन आया। साइन इन करना है, अगर आपने पहले से रजिस्टर्ड किया हुआ है तो साइन इन करेंगे, अगर नहीं किया हुआ है तो रजिस्टर्ड पे क्लिक करके यहाँ पर अपना जो यूज़र नेम है वो डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, पासवर्ड और न्यू पासवर्ड डाल के आप इसमें रजिस्टर्ड जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आप इसका जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये स्टेप रहेंगे आपके रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।